हेलो फ्रेंड, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैं बसंत पंचमी के लिए बनाने जा रही हूँ अपने वासु के लिए ड्रेस। वासु मेरे 8 नंबर के हैं, आपको पता है। तो यहाँ मैंने एक रुमाल लिया है, उसको मैंने फोल्ड कर दिया है। उसमें से मैंने बीच में से एक पट्टी निकाली है जो मेरे आगे घेरे में लगाने के काम आएगी। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 इंच की पट्टी निकाली है ये, और 2 पट्टियाँ मेरी ये घेरे के लिए तैयार हो चुकी हैं। और ये हमें बीच से ही निकालनी है, और हमें नीचे वाला पार्ट चाहिए, किनारे वाला। तो हमारी यहाँ दो पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। हमें 3 पट्टियों का घेरा तैयार करना है यहाँ पे। तो एक हम दूसरे रुमाल से निकालेंगे पट्टी, किनारे वाला पार्ट ही चाहिए हमें। तो यहाँ मैं ये बीच में सिलाई लगा के इन पट्टियों को जॉइंट कर लूँगी। तो ये मैंने 2 रुमाल लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने जो बीच की पट्टी निकाली थी उस रुमाल से, उसी नाप की मैंने यहाँ 2 पट्टियाँ और निकाल ली हैं। 2 रुमाल से दो पट्टियाँ निकाल ली हैं। इससे हमें किनारे वाला पार्ट मिल जाएगा बाजू के लिए, इससे हमें सिलना नहीं पड़ेगा। और हम इसी में से एक घेरे के लिए 1 पट्टी और निकाल लेंगे रुमाल से। तो यहाँ मैंने घेरे को जॉइंट कर लिया है पट्टियों को, और अब मैं प्लेट डाल के घेरा तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैं ये प्लेट डाल रही हूँ, और ये घेरा हमें अपने कान्हा जी के कमर के अकॉर्डिंग ही रखना है। और ये रुमाल गर्म है, एकदम सॉफ्ट सा रुमाल है। तो यहाँ मैंने घेरे को तैयार कर लिया है, और आप देख सकते हो ये नीचे किनारा बना हुआ मिल गया है हमें, साइड से भी किनारा बना हुआ मिल गया है हमें, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। और यहाँ मैंने जो पट्टी कट की थी उसको हम किनारे वाले पार्ट को हम पीछे रखेंगे, और 1.5 करीब हम इसको सिल लेंगे, 1.5 इंच करीब। तो यहाँ मैंने ये सिलाई लगा ली है, और किनारे वाला पार्ट पीछे रखा है। अब हम जो गले पे जो पट्टी आएगी उस किनारे को भी हम फोल्ड करके सिल लेते हैं फिनिशिंग के लिए। इससे हमारी फिनिशिंग आ जाएगी, और एक तरफ से हमें सिलना ही नहीं पड़ा क्योंकि वो किनारा बना हुआ था, इसीलिए हमने ये किनारे वाला पार्ट निकाला था बाजू के लिए। तो यहाँ मेरी ये चोली बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है गले पे, बीच में बिल्कुल दोनों साइड किनारा बना हुआ है। अब हम इसको घेरे में जॉइंट कर लेंगे, और इसका बीच वाला सेंटर निकाल के हम इसको बिल्कुल बीचों बीच इसको चोली को जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ मैंने ये चोली तैयार कर ली है, जॉइंट कर ली है। अब जो हमने बीच से पट्टी निकाली थी वो पट्टी को हम इसको फिनिशिंग देने के लिए इसमें जॉइंट कर देंगे घेरे में, इससे इसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग भी आ जाएगी इससे अच्छी। तो यहाँ मैं घेरे को सीधा रखते हुए और सिल लूँगी, और पीछे की साइड इस तरफ फोल्ड कर दूँगी इसको। तो यहाँ मैंने इसको पट्टी को जॉइंट कर लिया है, और आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है इसमें। और अब मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हैं, इनको मैं थोड़ा सा फोल्ड करके और इसके किनारों पे लगा लूँगी बांधने के लिए पीछे की साइड। तो मैं इनको लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ये पट्टियों को लगा लिया है, सिल लिया है, और इस तरह इसको हम कान्हा जी के पीछे बांध देंगे।
तो अभी मैं आपको पहना के भी दिखाती हूँ अपने कान्हा जी को। उससे पहले मैं यहाँ एक स्टोन लगा लेती हूँ। यहाँ मैंने वाइट कलर का ये स्टोन लिया है, इसको मैं चोली पे लगा दूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ मेरे कान्हा जी इस ड्रेस को पहन चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।